संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। और साथियों, बात यहाँ पर आज संविधान को सुरक्षित करने की हो रही है, तो उस संदर्भ में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी कि आज के इस परिवेश में हम किस तरह से संविधान को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि आज हमें पता है इस भारत देश की सत्ता पर एक ऐसी सरकार पूर्ण बहुमत से काबिज है जो लगातार हमारे दलित समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे अल्पसंख्यक समाज को दबाने का काम कर रही है। न केवल शारीरिक शोषण बल्कि मानसिक रूप से भी उसको लगातार तोड़ने का प्रयास कर रही है। और जो संविधान, आप सभी जानते हैं कि इस सरकार में बैठे मनुवादी लोगों ने 15 अगस्त को आप सभी ने देखा कि क्या हुआ इस भारत देश में, और 9 अगस्त को खुले तौर पर जंतर मंतर पर संविधान की पट्टियां जलाई गई। वहां पर पुलिस शासन भी मौजूद था और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि किस तरह से आज जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, इस भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति एक एक सांस अगर ले पा रहा है तो वो संविधान के कारण ले पा रहा है, और उसी संविधान को जलाने का काम उन मनुवादी लोगों ने किया। तो साथियों, हमें जरूरत है और सोचना है और समझना है कि अगर हम संविधान को बचा पाएंगे तो उसके लिए हमें पूर्ण बहुमत से सरकार में आना होगा। और सरकार में आने के लिए आज जितने भी, चाहे हमारे राजनीतिक संगठन चल रहे, चाहे धार्मिक संगठन चल रहे, चाहे सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम संगठित होकर एक डंडे, एक झंडे और एक बैनर के नीचे नहीं आएंगे, तब तक भूल जाना कि हम इस देश के संविधान को बचा पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है इस बहुजन समाज को एकत्रित होने की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि हम 85% है, लेकिन आज आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि हम कितने 85% है। एक विशेष जाति जो यादव समाज से आती है, ओबीसी समाज है, वो अपने आप को 85% में गिनता ही नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी कहीं ना कहीं हमसे कटा रहता है। तो एक जो ऐसी वर्ग है उसमें बहुत सारी जातियां बस वही सारे आंदोलनों को लेकर आज अगुवाही कर रही है। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर देसराज जी को कि आज उन्होंने बीड़ा उठाया और आपको इतने भारी संख्या में यहाँ पर आमंत्रित किया और आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि समय का अभाव है। और जाते जाते साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।